आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। अमेजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी स्टॉक सारे के सारे रेड में बंद हुए हैं। कुछ तो इनफैक्ट 18% तक गिरे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहां पर। क्या फ्यूचर रिटेल और अमेजन के बीच तालमेल बन पाएगा और ये डील हो पाएगी फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की कि ये इन्वेस्टर्स का लॉस पे लॉस होता रहेगा। आइए चलकर विश्लेषण करते हैं और अपना बताते हैं। सबसे पहले अगर रिलायंस की बात करें तो देखिए रिलायंस आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने क्विक डिलीवरी का ऑप्शन शुरू कर दिया है। यहां पर एज पर पर्सन क्लोज टू द मैटर फ्यूचर रिटेल की डील जो आपको बताई है 2 घंटे में डिलीवरी करते हैं। अब रिलायंस के जियो मार्ट पर भी आप ये एक्सप्रेस सर्विस ले सकते हैं। जियोमार्ट ने जियोमार्ट एक्सप्रेस की एक नई ऐप लॉन्च की है जिसमें 2000 से ज्यादा आइटम वो सेल करेंगे और 2 से 4 दिन के अंदर ये सर्विस शुरू हो जाने वाली है। अभी मुंबई जैसे शहर में शुरुआत कर रहे हैं इसकी शुरू में। और इसका जो टाइमलाइन है यहां पर डिलीवरी टाइमलाइन 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहेगा डिपेंडिंग ऑन आप किस लोकेशन में है। तो ये अच्छी बात रहेगी रिलायंस जियो मार्ट के लिए। जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो काफी हेल्पफुल रहेगी इनके लिए और कंपटीशन में काफी बड़े लोग हैं। सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा। कस्टमर बेस इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा है। टाइम जितनी जल्दी डिलीवर कर पाएंगे जितना अच्छा सर्विस देंगे वो इनके लिए अच्छा रहेगा कस्टमर को फर्दर रिटेन करने के लिए। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं। यहां पर अमेजन की बात करें टाटा की बात करें तो यहां पर काफी बड़े लोगों ने अपनी बिग बास्केट का आपको पता ही है टाटा ने खरीदा था। जोमेटो का ब्लिंकिट है स्विगी है फ्लिपकार्ट है तो आप नेम लीजिए जोमेटो है तो ये कोई भी चाहिए तो ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट रिलायंस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो इसकी जियो के कस्टमर बेस हैं और जियो मार्ट पर ये एक्सप्रेस लॉन्च करेंगे जो इनके लिए एक फायदे का सौदा बन पाएगा। और जैसे ही इनका रिटेल सेगमेंट का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा ये ऑलरेडी बहुत बड़ा निवेश कर चुके हैं रिटेल किंग बनना इनका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है और फ्यूचर रिटेल की डील इसके लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है इनका। देखिए इन्होंने ऑलरेडी यहां पर क्विक स्टार्टअप डुंजो में 25% की इक्विटी खरीद ली है जो कि 19 मिनट में डिलीवरी कराती है। यहां पर हेयर कट अगर बैंक की बात करें एनसीएलटी के लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा इनका क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी तरह से फर्दर डिले हो तो इसलिए उनको लॉस भी नहीं चाहिए लोन पे और वो इंतजार करेंगे 21 अप्रैल का ताकि वोटर्स अगर इसको एग्री कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एनसीएलटी केस में कंटिन्यू। और यहां पर हरीश सालवे जी ने कहा है कि फ्यूचर कूपन के साथ में जो इन्होंने डील की थी वो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन दी थी अप्रूवल के लिए और इसके चलते हुए ये इसको नहीं होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर रिटेल डील के लिए। एनसीएलटी की अच्छी हियरिंग चल रही है हमारे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन डिस्कशन 1 अप्रैल को चलेगा और सीसीआई फ्यूचर कूपन ने बहुत स्ट्रांग केस प्रस्तुत किया है। आज भी इनकी सुनवाई फ्यूचर कूपन की चल रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन है अभी जब तक ये एनसीएलटी का डिसीजन ऑफिशियल नहीं आता है तब तक अपर सर्किट नहीं लगेगा और एनसीएलटी की क्लूज जो आ रही हैं वो काफी अच्छी पॉजिटिव आ रही है हमारे हिसाब से। हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं कंटिन्यू होल्ड। आज का अगर भाव देखें फ्यूचर रिटेल फिर से 34.45 रुपये के आसपास गिरा है और साथ साथ में फ्यूचर कंज्यूमर 4.50 रुपये पर अपने लाइफ टाइम के लो पे पहुंच गया है और करीब 80 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए इसमें काफी तकड़े वॉल्यूम के साथ। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन भी करीब 34.65 रुपये ऑलमोस्ट लो लेवल पर पहुंच रहा है। चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी का 50 का 60 डे चैलेंज ज्वाइन करना है तो हमारा एडवांस लेवल मेंबरशिप ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ट्रेनिंग के लिए मिल रहा।